पासी साम्राज्य के इस अहम कड़ी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं ठोस सबूतों के साथ आप लोगों के सामने पासी इतिहास को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में शामिल सभी जानकारियाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, पासी इतिहासकारों और अन्य समाज के इतिहासकारों किताबों से ली गई हैं। लखनऊ का नाम सुनते ही हमारे जहन में बस एक ही ख्याल आता है, नवाबों का शहर लखनऊ। बड़ी बड़ी इमारतें, भव्य भवन जो नवाबों के समय काल में बनाई गई थी। लखनऊ आज पूरे दुनिया में नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि लखनऊ को तराशने का काम नवाबों ने तो किया था। लेकिन मुगलों और नवाबों के आने से पहले लखनऊ सुंदर भवनों, इमारतों, गढ़ियों, कोटों और मंदिरों के रूप में विख्यात था। इन प्राचीन मंदिरों और भवनों गढ़ियों का निर्माण यहाँ राज कर रहे पासी राजाओं ने करवाया था। आज से हजार साल पहले लखनऊ और लखनऊ के आसपास क्षेत्रों पर पासियों का आधिपत्य था, जिन्होंने एक मजबूत छत्र राज कायम कर रखा था और पूरे उत्तर भारत पर अपनी विजय की पताकाएं फहराई थीं। मध्यकालीन युग में लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में पासियों का आधिपत्य था। मध्यकाल में पश्चिम एशिया से जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो इन पासियों ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया। इसका उल्लेख ब्रिटिश काल के गजेटियर में मिलता है। एक अन्य कथा अनुसार रामायण काल के भगवान रामचंद्र के छोटे भाई इस टीले पर रुके थे। दरअसल ये क्षेत्र गोमती नदी के किनारे ऊंचाई पर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से उपयोगी था। उनको यह क्षेत्र काफी पसंद आया, तब से यह क्षेत्र लछपणपुर कहा जाने लगा था। लेकिन इस टीले पर वास्तविक निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में राजा लाखन पासी द्वारा किया गया। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुर था, जो लाखन पासी के नाम से विख्यात था। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस कर दिया गया, जहां पर आज टीले वाली मस्जिद है। यहीं पर राजा लाखन पासी का भव्य महल हुआ करता था। जहां पर लाखन पासी के भव्य महल और अन्य इमारतें थी, वहां पे आज बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और टीले वाली मस्जिद और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उपस्थित है। इसी टीले पर नाग मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार लाखन पासी ने करवाया था, क्योंकि लाखन पासी नागवंशी थे और शिव के उपासक थे। नागकुल होने के कारण लाखन पासी ने शिव के अनेक मंदिर बनवाए थे। लखनऊ का इतिहास बगैर लाखन पासी के नाम लिए बिल्कुल अधूरा है, जो नवाबों और मुगलों के आने से पहले सुंदर गढ़ियों, भवनों, कुंडों और इमारतों के रूप में विख्यात था, वो लाखन पासी द्वारा बसाया गया था। महाराजा लाखन पासी एक वीर कुशल योद्धा थे, जिनका मुकाबला सैयद सरार मसूद गाजी के सेनापतियों से हुआ था। लाखनकोट की लड़ाई में राजा लाखन पासी वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था। और बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने राजा लाखन के टीले और महलों को विध्वंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जब शेख और पठान लखनऊ में आबाद होने लगे, तो उनका पहला निशाना लखनऊवती के शीर्ष तीर्थ मंदिर यानी नाग मंदिर को बनाया। उस वक्त दिल्ली पर तुगलकों का शासन था। यहाँ शेखों के सरगना और शाह मीना साहब के शागिर्द शाह मोहम्मद ने लाखन टीले पर अपना अतिक्रमण कर लिया। इनकी मृत्यु के बाद यही टीले पर दफन कर दिया गया। यहाँ के शेख जादे इसे लाखन टीला न कहकर मोहम्मद शाह का टीला कहने लगे, और बचे कुछ हिंदू तीर्थों को बाद में औरंगजेब ने अपने गवर्नर सुल्तान अली शाह कुली खां को आदेश देकर तुड़वा डाले और वहाँ पे टीले वाली मस्जिद का निर्माण करवाया था। लखनऊ प्राचीन काल में मुख्य हिंदू तीर्थों के रूप में प्रमुख था, इसलिए छोटी काशी भी कहते थे, जिसे महाराजा लाखन पासी ने इस जगह पे सुंदर गढ़ियाँ, इमारतें और कोटे बनाकर आबाद किया। लखनऊ को लाखन पासी ने बसाया था, इसका प्रमाण गजेटियर और अन्य इतिहासकारों की किताबों मिलता है, जिसका उचित प्रमाण दीपासी ऑफ उत्तर प्रदेश न्यू दिल्ली ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड जनरल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली की पेज नंबर 8 में मिलता है कि लखनऊ का नाम राजा लाखन पासी के नाम पे पड़ा। श्री योगेश प्रवीण की पुस्तक दास्तानी लखनऊ के पृष्ठ संख्या 7 पर लिखा है कि लिखना पासी का सर काट कर शेख जादो ने इस नाले में फेंका था, वही नाला सरकटा नाला कहलाता है। शाही दौर में सजाए मौत के समय इस नाले का भी इस्तेमाल जारी रहा। पेज नंबर 168 पर एक कविता लिखी है, अरे लखनऊ सदियों से तू देख रहा, कितना पुराना ये लाखन टीला, किसने बसा कि इस गोमती के तट पर दुनिया की खुशियों से तुम्हें किला। पासी लखना की या कीर्ति या अटल, या विगत नवाब की सकृत सजीला है। गांजर विजय यादगार वीर लाखन की, या राम बंधु की अमर लोक लीला है। खैर इतना जरूर है कि लखनऊ पुराने समय में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल था। लखनकोट की लड़ाई में वीर लाखन पासी वीर गति हुए, लेकिन कट्टर मुस्लिम औरंगजेब के बाद नवाबों में उतनी कट्टरता नहीं दिखी और लखनऊ को एक बार फिर से आबाद कराया और नए मंदिर बनवाए। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का बेजोड़ मिसाल है।
भले ही हमारे पास उस जमाने की तस्वीरें नहीं है, लेकिन मैं आपको उस जमाने की कुछ झलक दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। अनुमान पे तो पूरी दुनिया टिकी है। चूंकि लाखनपासी किला टीले पर स्थित था तो कुछ इस प्रकार रहा होगा। जहाँ इमाम बाड़ा है वहाँ पे दूसरा कृत्रिम कोर था। जहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है वहाँ पे लाखनपासी की गड़ियां और कोटे थी। ये पुरानी फोटो लाखन टीले की है जहाँ बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बनवाया गया था। कहते हैं इतिहास मिटाने से नहीं मिटता, कुछ सबूत छूट जाता है। वीर राजा लाखनपासी की अमर गाथा और उनके शौर्य को पूरी दुनिया नमन करती है, जिन्होंने धर्म के रक्षा के खातिर सब कुछ बलिदान कर दिया। लखनऊ के वास्तविक राजा लाखनपासी थे, जिनके नाम से लखनपुर, फिर लखनऊ, लखनऊ थी, लखनऊ, फिर लखनऊ पड़ा। ब्रिटिश शासन काल में सन 1927 से 47 तक प्राइमरी भूगोल कक्षा 3 की पुस्तकों में लखनऊ के निर्माता लाखनपासी ने बसाया था ऐसा पढ़ाया जाता था, परंतु देश की आज़ादी के बाद पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। यह पुस्तक नवाबी शासन काल के समय में मुंशी नवल किशोर प्रेस हजरतगंज से प्रकाशित पुस्तक थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में राजा लाखनपासी के युद्धों के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो आपको मिल सके इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली जानकारियां आपको मिल सके। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा।